ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मानवे से अभी दिल हटा लो। हट गई है ना, भले रहे पड़े हैं, पर हमें पता है कि अभी ये दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से, पुराने मानवे से दिल हटा लो। तुम्हें तो अब बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करते रहो। प्रश्न है आज का, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? जवाब में बाबा ने एक ही शब्द में कहा है, भोजन का। बाबा कहते हैं, सेंसिबल बच्चे, अपने हाथ से योग में रह करके भोजन बनाएंगे और खाएंगे भी बाप की याद में। अगर कोई बाबा को याद करके प्रेम से बैठ करके भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा के याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो बहुत फुर्त बनना है, हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से ही करनी है। गीत है आज का, मुझको सहारा देने वाले, क्या है आगे, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया या यार। बाबा कहते हैं, बच्चों के प्रति बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रही है। जब हम भगवान वचन सुन रहे हैं तो हमें भी याद रहे हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रहे हैं। बाबा कहते, आगे तुम सत्संगों में जाते थे तो ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप और बच्चों, यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। बाप निराकार है और बाप के सन्मुख बच्चे कौन से बैठे हैं? बाप हम बच्चों को आत्मा की ही दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ बाप भी निराकार और आत्मा भी निराकार है। देखो कितने अनेकानेक बच्चे हैं। यह बात बाप के बगैर और कोई कह नहीं सकता है। कोई नहीं कहेगा कि हम आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं हमारे सामने बैठी है। जो बाप के सन्मुख ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं, उन्हों को ही बाप बैठ करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, इस समय सारी दुनिया में सब पतित आत्माएं हैं। अब ये दुनिया कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया तो किसको कहेंगे, सत्युग को ही कहा जाता है। बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को
बेहक का बाप ये सहज राज योग सिखला रहे हैं। अभी बाप कहते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ भी है उन सब को तुम्हें भूलना है। अभी तुम बच्चों को इन पुरानी दुनिया की सब वस्तुओं से वैराग आना चाहिए। ये है जब सबसे वैराग आए, पूरी दुनिया से वैराग, उसको कहेंगे बेहद का वैराग। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना ग्रस्त व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। माताएं सुन रही हो, अभी माताओं की बट्टी चल रही है। अपने आप से पूछे, बाबा ने मुरली में कहा है अपने से बातें करो, तो जो बाबा कहते हैं वो हम अपने आप से पूछें। ये है बेहद का वैराग। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना ग्रस्त व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, क्योंकि ये तो है कलयुग का मांडवा। इस मांडवे में जब सत्युग था, सृष्टि रूपी मांडवे में जब सत्युग था, तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का ही पार्ट बचता था। अब तो ये मांडवा पुराना हो गया है। पुण्यात्माओं की दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। बाबा कहते, अभी तो तुम नाखों से जो कुछ भी देखते हो पुरानी चीजी है। ये अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। अब तुम्हें दिल लगानी है किससे? पुरानी दुनिया से छूटेगी तभी नई दुनिया से दिल लगेंगी। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें नई दुनिया से दिल लगानी है। अब तो तुम्हें ये पुराना शरीर भी छोड़ करके वापस जाना है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को तो ये सब बातें जान करके बड़ी खुशी होनी चाहिए कि अभी बाबा हमको फिर से वापस ले जा, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप फिर से आए हैं। फिर से हमको अब जा करके सतयुग में पाठ बजाना है। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को तो अब कब्रस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स जब पाठ पूरा करते हैं तो अंत में पूरा जब कर रहे हैं लास्ट में, तो फिर उन्हों को अपना घर याद पड़ता है। तब फिर जब नाटक पूरा होता है, ड्रेस वगैरह बदल के घर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर 84 का ही कहा जाता है। इसमें वर्णों को भी तुम्हें याद करना है। इस चक्कर के अंदर कौन से हमने पाठ बजाए हैं, ये सारा अपना चक्कर याद करते और ये याद आए, अब तो हमें वापस जाना है। अब शिव बाबा बैठ करके सामने अपने फूलों को देखते हैं। इनकी आत्मा भी, इनकी अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी देखती है। और फिर ब्रह्मा बाबा की आत्मा दो काम करती है, एक तो देखती है बाप अपने फूलों को देखते हैं,
ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सबको देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है कि बाप ने हमको ये ज्ञान सुनाया है। वही जो हमारा बाप है वही हमारा शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, परंतु हाथ में कोई भी शास्त्र नहीं है। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने हमें सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज दे दी है, वो हम आपको सुनाते हैं। तो सतगुरु ही तो याद पड़ेगा, आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है, सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो, वहाँ अपने घर में हम आत्माएं नंगी रहती हैं, बाप तो है ही अशरीरी, अभी हमको इस शरीर के द्वारा कलप पहले मुआफे ये शिक्षा मिल रही है कि बरोबर तुम भी आत्मा है, आत्मा को ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कहा जाता है। ये जो मानते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है परंतु पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसा नहीं कहेंगे कि पाप परमात्मा व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। देखो सन्यासियों को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो फिर तो महान परमात्मा कहा जाए, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है कि परमात्मा बैठ करके फिर उसको और विस्तार, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि महात्माएं गुरु आज यज्ञ तप कराते हैं और खुद भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता जो परमात्मा बैठ करके यज्ञ तप आदि करे। भगत ही भगवान को ढूंढते हैं। अब ये भी ड्रामा के अंदर भक्ति मारे की नूंद है। बाबा हर बात समझा करके फिर याद दिलाते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको फिर से 21 जन्मों के लिए बाप विश्व की बातचाई दे रहे हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति मारे के अंदर चक्कर लगाया, अभी तुम जानते हो कि हमारा पाठ सबसे न्यारा है। ब्राह्मण कुल का पाठ, क्योंकि 84 के जन्मों का चक्कर हम ब्राह्मणों के लिए ही है और कोई भी धर्म वाले पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये 63 जन्म भक्ति मारे के अंदर चक्कर, 21 जन्मों का सुख भोग कर 63 जन्म भक्ति मारे के अंदर चक्कर में आना है। तुम बच्चे जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हरेक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो ये खत्म ही हो जाता है, आत्मा ही कहती है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अभी हमको अपना पाठ जो पूरा किया है, अभी 84 जन्मों का पाठ ये पूरा करके ये वस्त्र हमें अभी छोड़ना है, इनमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही तो सब कुछ करती है, ममत्व भी किसको है, आत्मा को है या शरीर को? तो आत्मा में ही ये सब बातें भरी हुई हैं। आत्मा ही पढ़ती है,
आत्मा ही कहती है हमने इतना पढ़ा है, हम इन ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ रही हैं। फिर आत्मा ही इनसे जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा ही कहती है मैं अमर हूँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे बुद्धि में यही रहना चाहिए, बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा ही 84 जन्मों का पाठ है। अनेक एक्टर्स बिना बिना धर्म के भी अपना अपना पाठ अपने अपने समय पर आके बजाते हैं, परंतु भारत की ये बहुत बड़ी महिमा है। कौन सी बड़ी महिमा? कि भारत ही अविनाशी खंड, जिसके अंदर हम 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं देखो क्रिश्चियंस लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड बहुत है, ये जरूर समझते हैं कि भारत प्राचीन देश है, परंतु ये उनको पता नहीं है कि ये प्राचीन कब से, जब भारत अर्थात सत्य त्रेता के समय बाबा कहते हैं क्रिश्चियन नहीं थे, तो ये बल कहते हैं प्राचीन देश है, परंतु वो यथार्थ जानते नहीं है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं भारत प्राचीन था, जानते नहीं कि वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवती भगवान भी कहते हैं। गॉड क्रिश्चियन लोग गॉड को भगवान गॉड कृष्णा नहीं कहते, परंतु वो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। तो कृष्ण के अथवा देवताओं के पुराने ते पुराने चित्र देखते हैं, वो मांगते जरूर हैं, परंतु वो कब थे क्या किया वो कुछ उनको पता नहीं है। क्योंकि मानते हैं इसलिए क्योंकि फिर भी ये तो कहा जाएगा कि सबसे बड़े तो फिर भी देवी देवताएं थे और सब धर्म तो पीछे हुए हैं। तो वास्तव में भारत की बहुत बड़ी महिमा है। गीता में अगर ये नाम बदली नहीं करते कि भगवानों वाचक के बदली श्री कृष्ण भगवान कह दिया, शिव भगवान अथवा निराकार भगवान ये नहीं बताया, तो अगर गीता में नाम नहीं बदलते, कृष्ण भगवान नहीं कहते, तो सभी जानते हम मनुष्य आत्माओं के बाप का ये भारत खंड जन्म स्थान है, अवतरण स्थान है। शिव के मंदिर तो देखो भारत में कितने हैं, और सब जगह भी शिव के मंदिर तो है, शिव की पूजा तो और धर्मों और शहरों में भी होती है। पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर के सबको पावन बनाते हैं, तो जरूर कहेंगे पतित पावन बाप ही तो ऊंचे ते ऊंचा है। महिमा भी गाते हैं शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, इतना सब गायन भी करते हैं, ज्ञान के सागर है, अब तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तो तुम्हारी महिमा अपरम अपार है, ये सब गाते हैं, परंतु उनको फिर भूल गए हैं, इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है।
बाबा कहते हैं अभी बच्चे बाहर विदेश में जाएंगे, जाकर के उन्हों को समझाना है सब आत्माओं का बाप वो निराकार है। देखो पहले ही बाबा ने विदेश में सेवाएं शुरू नहीं हुई थी, पर बाबा कहते हैं बच्चे विदेश में जाएंगे और वहां जाकर के सब आत्माओं ये समझाएंगे कि सभी आत्माओं का बाप वो निराकार है। तुम गॉड फादर को तो पुकारते हो ना, परंतु गॉड फादर कब आते हैं, कहाँ आते हैं, क्या आकर के करते हैं, ये उन्हों को पता ही नहीं है। यूरोप वासी यादव भी जानते हैं हमने ये जो मुसलात बनाए हैं इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई भी तो मशहूर है, देखो सामने मौत खड़ा है, प्राचीन भारत है तो उसके मददगार भी देखो बहुत बनते हैं जो भारत को देते रहते हैं ना कर्जा। तो बाबा कहते हैं भारत प्राचीन है तो उनके मददगार भी बहुत बनते हैं, समझते हैं ये भारत प्राचीन तो बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियाँ आदि जा करके अपने कब्रों में लगाई हैं, जो बनाई थी अपने बड़ों की कब्रें। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था, अभी हम फिर से वही राज ले रहे हैं। अब सिवाय युगमल के कोई विश्व का मालिक तो बन ही नहीं सकते। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, वह आपस में ही लड़ कर के अपने कुल का विनाश करेंगे। यादव कुल वाले मुसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं, ये जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएंगी, हम राज तो कर ही नहीं सकेंगे।